अगर स्कूल या ट्यूशन के दौरान या राह में कोई भी आपको छेड़ता है या अश्लील कमेंट करता है तो इसकी शिकायत अपने अभिभावकों या टीचर से जरूर करें। यह सलाह मंडलेश्वर के समीप छोटी खरगोन में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में न्यायविदों ने उपस्थित बालिकाओं को दी। स्कूल आते जाते समय कोई व्यक्ति आपसे छेड़छाड़ करता है, गंदी फफ्तियाँ कसता है, अश्लील इशारा करता है या फिर आपका पीछा करता है तो उसे नज़रअंदाज ना करें। ऐसे व्यक्ति की शिकायत स्कूल के शिक्षकों से या अपने अभिभावक से जरूर करें, वरना आपके साथ बड़ा हादसा हो सकता है। यह सलाह और सीख विधिक सेवा प्राधिकरण मंडलेश्वर के सचिव अपर जिला न्यायाधीश भारत सिंह रावत ने शासकीय हाई स्कूल छोटी खरगोन में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में बालक बालिकाओं को दी। उन्होंने पॉक्सो एक्ट के बारे में बताया कि अगर आप ऐसे व्यक्ति की शिकायत करते हैं तो आपको त्वरित न्याय मिलेगा। ऐसे अपराध में 3 साल की सजा से लेकर मृत्यु दंड तक की सजा दी जा सकती है। साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट, वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम की जानकारी भी दी। विशेष अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जिला विधिक सहायता अधिकारी रॉबिन दयाल ने विधिक सेवा की विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि विधिक सहायता किसी महिला, आपदा पीड़ित व्यक्ति, अजा अजजा के व्यक्ति, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 2 लाख से कम आय वाले व्यक्तियों को दी जा सकती है। यदि व्यक्ति शिक्षित होगा तो उसे अपने अच्छे बुरे का ज्ञान होगा, कोई उसे भ्रामक जानकारी देकर भ्रमित नहीं कर सकता। कार्यक्रम का प्रारंभ सरस्वती पूजन से हुआ। कक्षा 10वीं की छात्रा कुमारी कविता बर्फा ने सुमधुर सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। प्राचार्य सुभद्रा सांवले ने स्वागत भाषण में संस्था की गतिविधियों की जानकारी दी। डिजियाना न्यूज निमार रिपोर्ट मंडलेश्वर।